जब दिल्ली की कड़कती धूप और गर्मी ने मेरी हालत खराब कर दी थी, तब सोचा कि क्यों ना किसी अच्छे पूल में स्विमिंग कर ली जाए। पर उसमें क्या मजा है, जब तैरना ही है तो जगह थोड़ी बड़ी होनी चाहिए ना। तो बस इसी क्लिप की तरह अपने पुराने कुछ सालों की यादों को फिर से ताजा करने और दिल्ली की पिघला देने वाली गर्मी को खत्म करने के लिए एक सुबह मैं निकल जाता हूँ। Climb aboard a butterfly and take off on the breeze. Let your worries flutter by and do the things you please. दिल्ली शहर से लगभग 200 किलोमीटर दूर अपनी फेवरेट जगह ऋषिकेश। On a dreamer's holiday. पर जब फाइनली ऋषिकेश पहुंच जाता हूं, तो इस बुरी खबर का पता चलता है। हेलो जी, तो यार मैं अपने हॉस्टल बंक से तो पहुंच गया था, बट प्रॉब्लम ये है कि मैंने हमेशा की तरह कोई बुकिंग नहीं कराई थी। मेरे को लगता था रूम तो मिल जाएगा, पर अब जब मैं यहाँ बंक से पहुंचा, अभी केदारनाथ यात्रा के चलते यहाँ पर सब कुछ बुक्ड है, एक भी रूम अवेलेबल नहीं है। अपनी पसंदीदा जगह ना मिलने की वजह से अभी मैं सही से सैड हुआ भी नहीं था कि तभी मेरी नज़र इस कमाल की चीज़ पर पड़ती है। अगर आप सच बोलूं तो ऋषिकेश के अंदर हॉस्टल, होमस्टे और होटल्स की कोई भी कमी नहीं है, पर जेन्युइनली मेरा बिल्कुल मन नहीं करता यहाँ पर रुकने का, क्योंकि मेरी नज़र इस बहुत ही कमाल की चीज़ पे पड़ गई थी। चलते फिरते मैं अभी यहाँ से निकला हॉस्टल से, और मैं बस व्लॉग ही रिकॉर्ड कर रहा था कि कैसे मेरे इस बंक से हॉस्टल के अंदर पीछे है, यहाँ पे रूम अवेलेबल नहीं है। थोड़ा सा सैड था मैं, अब क्या करेंगे, बट तभी मेरी नज़र इस कमाल की गाड़ी पे पड़ती है। ये देखो, यहीं पे बेड डाला हुआ है, और अभी इस गाड़ी के भैया जी जो आए हैं गाड़ी को लेके, उनसे बात करते हैं। उन्होंने मेरे को बताया कि यहाँ पे ये लोग 9-10 लोगों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, और इस बेड पे एटलीस्ट 4 लोग आराम से सो सकते हैं। मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हो गया हूँ सच में, और मेरा भी मन कर रहा है। दो मेरी गाड़ी है जिस पर आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, वो इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, बट मेरा भी मन कर रहा है कि मैं आज गाड़ी में कुछ ऐसा कैंपिंग करूँ। मैं भैया से पूछते हैं कि वो कैसे करते हैं ये सारी चीज़ें। अभी हम हरियाणा से आ रहे हैं, चरखी दादरी से। अच्छा, चरखी दादरी से आ रहे हैं, केदारनाथ जा रहे हैं। और खाने का भी कुछ लेके चल? हाँ बिल्कुल, साथ में। हाँ, सिलेंडर वगैरह नहीं है, ये घर से ही। अच्छा। जैसे बिस्किट वगैरह ये इसमें टिप्पन में रख रखे हैं, सारे मिठाई शिठाई सब कुछ घर से ही लेके चले थे सब, सारा अपना। बहुत ही बढ़िया। होटल पे नहीं खाते भाई, अपनी दूध पी रहे हैं, दूध का भी वो ले रखा है केतली, चाय बनाने की चाय भी हमारी पी रहे है, चाय पत्ती सब कुछ हमारा साथ में ही है। बहुत बढ़िया भैया जी। मेरा भी ना ऐसे सपना, एक सपना है, पता नहीं ऐसे पता ही नहीं कि दिल्ली से ना मेरे को लंदन जाना है गाड़ी पे। अच्छा अच्छा, जा सकते हैं दिल्ली से लंदन गाड़ी में 18 कंट्रियां पार करके? ऐसे थोड़ी ना हो सकता है, है पॉसिबल, बंदों ने किया है। किसने किया है? इंडियन बहुत है जिन्होंने किया है, पॉसिबल है ये करना। पैसा लगता है? मतलब कितना लगता है? मैं ले चलूंगा फिर गाड़ी को। 3 महीना का सफर होगा, 18 कुछ कंट्रियां पड़ती हैं, और आपका करीब एक बस भी जाती है दिल्ली से, बस लेती है 15 लाख रुपए, जिसमें वो सारा वीजा और ये सब भी करवा के देती है, और 3 महीना घुमाती है। अच्छा, तो पैसा लगता है, तो मेरी कोशिश है कि अभी थोड़ा पैसा कमाया जाए, और जब हो जाएगा तो फिर जाएंगे। इसलिए मैं देख के बड़ा खुश हुआ, ये बहुत भैया जी, मेरे को बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया बहुत बहुत। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया भैया जी, धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे यशवंत भाई, बहुत ही कमाल का इन्होंने अपना मॉडिफाई करके रखा है, मैं बहुत इंस्पायर हो गया हूँ। दो आज मेरे पास गाड़ी बहुत छोटी है, मतलब लिटरली से आधी गाड़ी होगी, बट मैं आज ट्राई करूंगा कि आज मैं गाड़ी के अंदर मैं भी ऐसा कैंपिंग कर पाऊँ, क्योंकि मेरे पास भी थोड़ा सा सामान है जो मेरे को लगता है कि मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। तो ठीक है, आज होटल नहीं लेंगे, आज होमस्टे नहीं लेंगे, और वो हॉस्टल नहीं लेंगे, आज भैया जी की तरह हम भी थोड़ा इंस्पायर होके आज एडवेंचर करेंगे। तो चलते हैं और एक अच्छी जगह ढूंढते हैं जहां हम पार्क कर पाए। तो फाइनली मेरे को बहुत ही अच्छी जगह मिल गई है। इस जगह को एक्चुअली बोला जाता है फूल चट्टी, और अभी आप मेरी गाड़ी देख सकते हो। अच्छा, बाय द वे, एक फन फैक्ट, मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ हमेशा गर्मियों में ऑब्वियसली, तो एक आइस बॉक्स साथ में कैरी करता हूँ, और डिकैथलॉन की अपनी ये फोल्डिंग वाली चेयर भी हमेशा कैरी करता हूँ। तो कोई स्पेशल ऐसा रीज़न नहीं है कि मैं कैरी करता हूँ, ये हमेशा मेरी क्रेटा में पड़ी होती थी। अभी मैंने क्रेटा से अपने दोस्त से जब गाड़ी ली, तो मैंने इसके अंदर भी सामान शिफ्ट कर लिया, क्योंकि मेरे को लगता है कि भाई ये नेसेसरी चीज़ें हैं, ये हमारे पास होनी ही चाहिए। अब खैर, टाइम वेस्ट नहीं करता, अपनी गाड़ी का कैंपिंग का प्रोसेस शुरू करता हूँ, सीट गिराता हूँ, देंग देखते हैं कि क्या होता है आगे।
तो यार मैंने सामान सारा शिफ्ट कर लिया, बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि एक बार जब मैं सीट को फ्लैट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बता रहा हूँ बहुत ही एमेच्योर कैंपिंग और मैंने इससे पहले प्लान नहीं किया था, तो मेरे को लग रहा था कि ये फ्लैट बेड बन जाएगा, बट ये फ्लैट बेड नहीं बना है, तो उसके बीच में इतनी सी खाई है। तो बेसिकली इसलिए अब तुम देख सकते हो कि मैं नीचे गिर गया हूँ और मैं ऐसे कुछ करना पड़ेगा जो कि पॉसिबल तो नहीं है। तो मेरे को कुछ इस जो ये जो एम्प्टी पार्ट है मेरे को इसे अभी फिल करना है, और सनसेट होने वाला है, सनसेट होने से पहले ही फिल करना है, वरना मैं नहीं सो पाऊंगा गाड़ी में। दिमाग चलाता हूँ। दिमाग चलाते ही मेरे को याद आई मेरे ऋषिकेश में ही रहने वाले दोस्त मोहित भाई की। हेलो, अरे मोहित भाई कैसे हो? हाँ जी बढ़िया बढ़िया। अरे मैं ना एक्चुअली ऋषिकेश आया था और पता नहीं बस इम्प्रॉम्प्टू मेरा प्लान बन गया है, विचार बन रहा है कि गाड़ी में ही कैंप कर लिया जाए, गाड़ी में ही सो जाया जाए। हाँ नहीं, बंक्से में भी जगह अवेलेबल नहीं थी तो मैंने कहा चलो ये कर लेता हूँ। अच्छा मेरे को आपसे पूछना था कि गद्दे मिल सकते हैं क्या गाड़ी में डालने के लिए? जी हाँ बिल्कुल, मैंने मोहित भाई को फ़ोन करके सीधा गद्दा मांगा और फिर उनका इंतज़ार करते हुए गंगा मैया के आगे अपनी चेयर बिछा के बैठ गए। अपना इंतजार पूरा हुआ, मोहित भाई एक्चुअली इधर आ गए हैं, तो मेरा गद्दा भी आ गया, मैं एक्साइटेड हूं। मोहित भाई थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अब मैं एक्चुअली काम कर पाऊंगा अपना। थैंक यू जी, बाय बाय। ये दोस्तों भाई मेरे को यकीन भी नहीं हो रहा, लिटरली गद्दा भी आ गया। मेरे को लगता है अब कुछ भी कमी नहीं है। मैं अभी मार्केट गया था, मैं लाइट भी ले आया, फैन भी ले आया और गद्दा मोहित भाई दे गए। सेट करता हूँ, फाइनल सेटअप तुम्हें बहुत जल्दी दिखाता हूँ मैं। और वीडियो में अब तक मज़ा आ रहा है, तुम्हें एंथुसियाज्म देख के मज़ा आ रहा है, एक लाइक ड्रॉप कर दो, एक कमेंट कर देना, आगे चलते हैं। फाइनल चीज़ रह गई है, ये लगा के तुम्हें दिखाता हूँ कि गाड़ी लग गई। तो दोस्तों गाड़ी 80% रेडी हो गई है। 80% मैं क्यों बोल रहा हूँ मैं तुम्हें थोड़ी देर में बताऊँगा, क्योंकि मेरे को इंतजार है लाइट के पूरे जाने का, क्योंकि मैं जो लाइट्स लाया हूँ वो भी लगा के दिखाऊंगा। बट अभी गाड़ी कैसी लग रही है वो दिखाता हूँ। आ जाओ एक बार ट्राईपॉड से निकाल लें। ये देखो ट्राईपॉड पे मैं शूट कर रहा हूँ और तो जी मान रहा हूँ मैं बहुत जुगाड़ वाला काम हुआ है, अगेन प्रो कैंपिंग नहीं है, बट भैया को देखा मेरे को इंस्पायर हो गया और मेरे को था कि भाई रूम भी नहीं मिल रहा है तो क्यों ही मैं दूर जाऊँ। मैं तुम्हें लिटरली अपना व्यू दिखाता हूँ। सॉरी, ये देखो एकदम गंगा मैया के सामने गाड़ी पार्क करके। अच्छा बाय द वे ये सैंड बीच के ऊपर मैं नहीं कैंप कर रहा हूँ क्योंकि वो अलाउड नहीं है, यहाँ पर पास में ही पार्किंग एरिया है। जस्ट टू क्लैरिफाई, ये तुम पीछे देख सकते हो, तो वीडियो के अंदर ऐसा लग रहा है कि मैं एक आइसोलेटेड जगह पे हूँ। मैं हूँ जो कि रात में थोड़ा खाली हो जाएगा, बट कुछ भी ऐसा इलीगल काम नहीं है क्योंकि वैसे यहाँ पर कैंपिंग करना इलीगल है। मैं बस गाड़ी पार्क करके यहाँ पे खड़ा हूँ क्योंकि बाकी लोग भी पार्क गए। बट खैर अब इंतज़ार है रात का, एक बार रात हो जाए जल्दी से क्विक ट्रांजिशन करता हूँ और तुम्हें अपनी गाड़ी का फाइनल सेटअप दिखाता हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं एक्साइटेड क्यों हूँ इतना, क्योंकि मैंने तुम लोगों को बताया मेरा सपना क्या है, मैंने भैया को बताया मेरा सपना क्या है लंदन जाने का। हमें ऐसा ही कारवां या ऐसा कुछ बिल्ड करना पड़ेगा और मैंने ऐसा, मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ रिसर्च करूं अभी इमिजिएटली, मैं चाहता हूं कि मैं वो होता है ना गिर गिर के सीखते हैं, तो अभी मैं बस ये मेरा एक फर्स्ट ट्राई है। आज मैं ट्राई करूंगा, जो जो मेरे को चीज़ें लगेगी कि यार ये नेसेसरी है, ये कमियाँ हैं, वो मैं अपग्रेड करूंगा, फिर थोड़ा पढ़ूंगा, फिर देखूंगा कि इसको कैसे बेटर कर सकते हैं। खैर बहुत बातें हो गई और फट से ट्रांजिशन करते हैं और मैं तुम्हें फाइनल लाइट्स के साथ अपना सेटअप दिखाता हूँ। तो जी अभी पूरा का पूरा बीच पे खाली मैं हूँ, मेरी गाड़ी है और अब मैं गाड़ी को ऑब्वियसली एकदम नदी के किनारे नहीं लगा रहा, मैं थोड़ा सा पीछे गाड़ी को लेके जा रहा हूँ ताकि नदी से सेफ डिस्टेंस पे हो, सब सेफ हो। उसके बाद मैं गाड़ी में घुसूंगा, लाइट्स बंद एंड अंदर चलते हैं और देखते हैं कि आज की रात कैसी बीतेगी। दोस्तों तो वेलकम टू माय बेडरूम फॉर द नाइट। देखो कितना सही लग रहा है, ये लाइटिंग यहाँ पर चेंज होती रहती है, बहुत ही सही काम करवाया भाई मेरे उस फ्रेंड ने। खैर जो जो मैं सामान यहाँ पर अपने साथ एक्सेसरी लेके आया हूँ वो ये है, एक ये लाइट है जो कि ये देखो ये लाइट है, पावर बैंक से पावर्ड है, एंड देन एक ये फैन है, ये 3 पावर काफ़ी अच्छा फैन है, बजाज का फैन है, नीचे से मेरे को मिल गया था तो उन्होंने बोला है कैंपिंग रिलेटेड ही चीज़ें हैं तो आप लेके कर सकते हो, तो मैंने कहा चलो सही है भाई बहुत बढ़िया। तो खैर अभी ये जितनी भी तुम्हें लाइटें दिख रही हैं, जितना भी ऐसा आलीशान सा दिख रहा है ये इतना नहीं रहेगा, ये सब बंद हो जाएगा क्योंकि ये डायरेक्ट गाड़ी की पावर से चलता है।
बंद कर देंगे, उसके बाद मैं पावर बैंक पे आऊंगा। और हम एसी नहीं चला सकते, एसी रिकमेंडेड नहीं होता है, तो एसी बंद रहेगा, हल्की हल्की विंडो रहेंगी और मैं अकेला हूँ तो मेरे को थोड़ा डर भी है कि कैसा रहेगा क्या होगा। बट खैर ये देखो ये सेटअप है और मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, तुम्हें कैसा लग रहा है बताना। ये दोस्तों एक छोटा सा अपडेट, अब जो मेरी गाड़ी है और अब जो मेरी आँखें हैं वो एक्चुअली इतनी ही डार्कनेस देख रही है, और जो पीछे एक हम की आवाज़ आ रही है वो एक्चुअली फ़ैन है जो कि काफ़ी अच्छी हवा मेरे को प्रोवाइड कर रहा है। और ये देखो मैं गाड़ी में हूँ और लाइट्स ऑफ है सारी की सारी, मेरे को लाइट्स वैसे भी नहीं चाहिए होती है रात में। ये फ़ैन है, यहाँ पे फ़ैन देख रहे हो, ये देखो ये मैंने फ़ैन लगा दिया है और ये मेरे रुको हाँ और दिखाता हूँ, ये देखो ये मेरे पैर है, तो मेरे पैर ऐसे मतलब मैं डायगनली जब लेटा हूँ तो मैं डायगनली पूरा आ पा रहा हूँ, ये देखो। हाँ जी, तो अब मैं जब डायगनली लेटा हूँ तो मैं एक्चुअली पूरा गाड़ी के अंदर आ पा रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं है। और बस यही है, अब एक्चुअली थक गया हूँ सुबह से तो थोड़ा सोऊंगा। थोड़ी थोड़ी मैंने खिड़कियाँ खोल दी हैं सारी, और मॉस्किटो नेट तो नहीं, एक नेट लगा हुआ है बट वो मॉस्किटो को अंदर नहीं आने देगा, तो कोई मच्छर नहीं है, कोई कीड़े नहीं है, फ़ैन बहुत अच्छा चल रहा है। चलो अब देन सुबह मिलते हैं, सुबह सुबह गंगा जी के दर्शन करते हैं। ओके दोस्तों, ये जो एक्चुअली जगह है ऋषिकेश में मेरी फेवरेट जगह है। और आज क्या सुबह क्या बीती है, जब से मैं गाड़ी से निकला हूँ मैं शांति से गंगा जी के किनारे बैठा हूँ और मेरे को बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो एक चीज़ मेरे दिमाग में चल रही थी कॉन्स्टेंटली, नंबर वन मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मैं एक्चुअली ये एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ। सच बता रहा हूँ, मैं बैठा था और मैं सोच रहा हूँ भाई मैं ऐसे ही थोड़ा परेशान होता हूँ कि यार ये करना है वो करना है ये चाहिए वो चाहिए, और अभी देखो भाई इस मोमेंट में तो परफेक्शन है मेरे पास सच में। तो दूसरी एक और चीज़ जो मैं शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि मेरे लिए लाइफ के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फ्रीडम। मैं इस यूट्यूब चैनल के थ्रू फ्रीडम कमाना चाहता हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे को कहीं वेकेशन पे जाना हो, किसी के साथ घूमने जाना हो तो मेरे को छुट्टियाँ अप्लाई करना पड़े, ये मेरा पर्सपेक्टिव है। मैं किसी पे ऐसा शॉट्स नहीं फायर कर रहा हूँ, ये मेरा थॉट प्रोसेस है। अभी यहीं पर इसी घाट में बैठा था तो एक अंकल जी मिले थे, उनसे थोड़ी बातचीत हुई तो वो बता रहे थे कि उन्होंने अभी रिसेंटली किताब पढ़ी है एक ही गाय, मैंने नहीं पढ़ी अब तक, ऑब्वियसली सुना है मैंने उस बुक के बारे में। तो वो बता रहे थे कि कुछ उसके अंदर उन्होंने ये पढ़ा है कि एक ऐसा प्रोफेशन देखना चाहिए जो आपका पैशन हो, जिससे आप पैसे कमा सको, जिससे आपको आनंद आए और सोसाइटी को भी उस चीज़ की ज़रूरत हो। तो मेरे को नहीं पता मेरे प्रोफेशन में सोसाइटी को किसकी कितनी ज़रूरत है इस चीज़ की, बट बाकी तीनों फैक्टर्स 100% कंप्लीट होते हैं। पैशनेट मैं काफ़ी ज़्यादा हूँ इस फील्ड को लेके, इससे मैं पैसा भी इवेंचुअली कमाना चाहता हूँ, कमा सकता हूँ, और जो मैं वीडियोग्राफी और फ्रीलांस डायरेक्शन करता हूँ तो वो सब भी चल रहा है। तो मेरे को लगता है कि मैं एक सही ट्रैक पे हूँ जेन्युइनली, मेरा ये मतलब, वैसे मैं घबराता रहता हूँ कि हाँ यार सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे, व्यूज़ नहीं आ रहे, बट अभी जब इस मोमेंट पे ऐसी जगहों पे आके बैठते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, सच में बहुत अच्छा लगता है। लगता है कि भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब हो जाएगा, सब हो ही रहा है तो सब हो ही जाएगा। बस इतना ही कहना चाहता था। तो खैर यही था एक वीडियो छोटा सा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, एक कॉमेंट कर देना, मिलते नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय। तो यार सुबह के 3 बज गए हैं और मैं क्लिप खाली इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि किसी को ये ना लगे कि गाड़ी में नहीं सो रहा है, और गाड़ी में सो रहा हूँ। मैंने फ़ैन और पास कर लिया क्योंकि एक्चुअली खिड़की जो खोली थी उससे थोड़े मच्छर घुस गए हैं और मेरे पास ओडोमॉस नहीं है तो मेरे को थोड़े मच्छर काट रहे हैं। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मच्छरों का नहीं इशू है, काफ़ी ज़्यादा इशू है मच्छरों का।